हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था निफ्टी थोड़ा साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड हो गया। अब अगर आप देखें ये ऑरेंज लाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, विच इज द लो ऑफ 9044। 9044 लो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। इफ इट इज ब्रेकिंग दैट देन टारगेट विल बी 8900 8800। सो इफ इट इज ब्रेकिंग 9040 देन यू हैव टू गो शॉर्ट। इट्स अ कंडीशनल शॉर्ट ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 8900 8800। व्यू अभी साइडवेज और न्यूट्रल है, साइडवेज और न्यूट्रल है, बट 9040 के नीचे व्यू वापस बेरिश हो जाएगा। सेम कंडीशन विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑल्सो इफ यू सी 18,200 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लो फॉर फर्दर फॉल। इफ इट इज ब्रेकिंग 18,200 18,300 देन अगेन मोस्ट लाइकली यू विल सी द लेवल्स ऑफ 17,500 and 17,000। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी इज साइडवेज एंड रेंज बाउंड, बट 18,200 बिलो इट्स अ शॉर्ट ट्रेड। सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इट्स अ कंडीशनल शॉर्ट ट्रेड, दोनों में कंडीशनल सेटिंग है। 9040 को नीचे निफ्टी बेरिश रहेगा एंड 18,200 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिश रहेगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक स्टॉक बताया था कोटक बैंक सेल 1180 के नीचे। ये ऊपर ही ओपन हुआ तो मॉर्निंग में ये कॉल ट्रिगर नहीं हुआ था बिकॉज लेवल वॉज 1180, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम इसने 1180 ब्रेक किया एंड यू कैन सी 7-8 रुपीज फॉल तुरंत आया इसमें। तो इसमें एक अच्छा इंट्राडे प्रॉफिट बना। कॉनकोर मैंने आपको बाय दिया था 380 के ऊपर एंड यू कैन सी 395 तक जाके आया ये। सो कॉनकोर में भी काफी अच्छा प्रॉफिट बना। ग्लेनमार्क फार्मा में एक छोटा स्टॉप लॉस हुआ। दिस वॉज द अपडेट ऑन कॉल्स गिवन इन लास्ट वीडियो। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। सो फर्स्ट स्टॉक होगा यूपीएल बाय। यूपीएल में अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है एंड एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है ये पूरा एंड नाउ प्राइसेस आर लाइकली टू ब्रेक दिस हाई। सो मोस्ट प्रोबेबली 402-405 तक के इंट्राडे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं यूपीएल में। यूपीएल बाय रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा एलएनटी। एलएनटी में अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट कल इसमें एक गैप अप हुआ था, अब ये गैप सपोर्ट का काम करेगा। तो हायर चांसेस है यहाँ से, मुझे लगता है ये वापस रीटेस्ट हो सकता है 900 तक के लेवल्स। सो 900 एंड 920 के टारगेट के लिए एलएनटी बाय कर सकते हैं। लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। ये था एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।